जय गंगे माता। दोस्तों, एक बार फिर से आओ करें दर्शन में, आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलता हूं ऋषिकेश का जो सबसे फेमस झूला है, राम झूला। राम झूला के पास बोटिंग भी होती है, वहां पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और बोटिंग करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको राम झूला के आसपास जो घाट है, स्वर्ग आश्रम घाट है, वो भी दिखाने वाला हूँ। राम झूला को आप देख सकेंगे, राम झूला के पास के जो व्यू है वो भी आप देख पाएंगे। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी इस बात है वो ये है कि राम झूला के पास जो बोटिंग होती है, जहाँ पर श्रद्धालु बोटिंग करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बोटिंग का किराया कितना है और बोटिंग कहाँ से होती है और बोटिंग बोट के द्वारा आप लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सभी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और इसी तरह की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अब हम राम झूला पहुंचने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय। तो दोस्तों, फाइनली हम राम झूला के पास जो बने हुए घाट के पास पहुंच चुके हैं। और आज की इस वीडियो में राम झूला के पास जो घाट है, जहाँ से बोटिंग भी होती है, तो इसको भी कवर करेंगे और बोटिंग के बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कितने रुपए चार्ज होते हैं और उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, टिकट कहां से मिलेगी, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले आप राम झूला के सुंदर व्यू देख सकते हैं। दोस्तों, राम झूला जो पड़ता है ये स्वर्ग आश्रम के बिल्कुल पास में पड़ता है और जानकी सेतु से लगभग 800-900 मीटर की दूरी में स्थित है ये। तो चलते हैं इस घाट में और यहाँ के जो सुंदर व्यू हैं उसको देखेंगे। जिस तरह हरिद्वार में श्रद्धालुओं के स्नान करने के लिए बहुत सारे घाट बनाए गए हैं, उसी तरह ऋषिकेश में भी जो घाटों की संख्या है काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ भी श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको राम झूला के बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिल रहे होंगे और झूले के पीछे आप देख सकते हैं ऊँचे ऊँचे पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे। तो चलते हैं जो घाट है और सामने आपको बोटिंग जहाँ से होती है वो जगह भी दिख रही होगी, तो अभी हम आपको वहाँ पर भी ले चलेंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छे दृश्य यहाँ से नज़र आते हैं और इसी वजह से श्रद्धालुओं को ये स्थान पसंद है, क्योंकि माँ गंगे के दर्शन तो आप हरिद्वार में भी कर सकते हैं लेकिन जो सुंदर व्यू हैं वो आपको ऋषिकेश में ही देखने को मिलेंगे। और सामने एक हनुमान मंदिर घाट भी है, जो सामने आपको एक घाट दिख रहा है वो हनुमान मंदिर घाट है। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो आपकी जानकारी में सिर्फ दो ही तीन स्थान होंगे जो प्रमुख है, जैसे कि राम झूला, लक्ष्मण झूला, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। ऋषिकेश के घाट भी उतने ही सुंदर हैं जितने हरिद्वार के घाट सुंदर हैं। तो ऋषिकेश जब आते हैं तो राम झूला, लक्ष्मण झूला और जो नया सेतु है जानकी सेतु, वहाँ भी आप जा सकते हैं और उसके साथ साथ जो यहाँ पर बने हुए घाट हैं उन पे भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ आप गंगा जल में स्नान कर सकते हैं। तो चलते हैं और जो यहाँ पास की जगह है उनको भी कवर करेंगे और जहाँ से बोटिंग होती है वहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ और उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, राम झूला से लगभग कह सकते हैं कि 100 मीटर की दूरी में आपको वो स्थान मिल जाएगा जहां से बोटिंग कराई जाती है, आप बोटिंग कर सकते हैं और बोटिंग का जो चार्जेस है बहुत ही कम है। और मैं आपको उस विंडो पर ले चलूँगा जहां से टिकट भी मिलती है, तो उससे और अच्छे से क्लियर हो पाएगा।
दोस्तों यहाँ पर है राम झूला और यहाँ से बस इसको पार करते हुए आप इस साइड आएंगे और जैसे ही पार करेंगे और उसके बाद ये वो स्थान है जहाँ से वोटिंग की जाती है। तो वोटिंग चलते हैं, आपको अब फाइनली आपने देख ही लिया होगा कि कहाँ से वोटिंग होती है, तो उस स्थान पर ले चलते हैं और विंडो पर जो काउंटर है जहाँ से टिकट मिलती है वहाँ से जानेंगे कि चार्जेस क्या हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं आया था तो वन साइड का 10 रुपये था और आने और जाने का वापस आने का मतलब 20 रुपये। 5 सवारी हैं, 200 रुपये ले आओ। तो दोस्तों ये है काउंटर जहाँ से आप वोटिंग की टिकट ले सकते हैं और वोटिंग का इस समय जो चार्जेस है वो 40 रुपीज़ है। आपको यहाँ से जाकर दूसरी साइड छोड़ा जाएगा और पहले हालांकि 10 रुपये था लेकिन अब पहले मेंबर भी काफ़ी ज़्यादा जाते थे, वोटिंग में लगभग 60 मेंबर लोग जाते थे और इस समय सिर्फ 10 लोग जाते हैं और जिसका जो किराया है वो मात्र 40 रुपये है। तो अगर आप वोटिंग करना चाहते हैं तो आप वोटिंग यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर लगी है बोट जिससे श्रद्धालु वोटिंग करते हैं। और सामने जो आपको घाट दिख रहा है वहाँ पर ओंकारानंद घाट करके एक सामने घाट है, वहीं पर आपको ड्रॉप किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोग ये जो बोटिंग के चार्जेस हैं या बोटिंग के बारे में जो भी जानकारी है उनको मालूम हो सके और सुंदर यहाँ के जो व्यू हैं वो भी देख सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।